सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रूव कॉस 18 माइनस साइन 18 इज इक्वल टू रूट 2 साइन 27। फॉर दिस आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, तो ये वाली आइडेंटिटी अपन इस वाले साइन में लगाएंगे। LHS लेते हैं अपन, LHS तो cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री को अपन लिख सकते हैं cos 18 डिग्री माइनस 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, माइनस कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी कॉस ए माइनस कॉस बी की, वो मैं लिख देता हूँ। कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस टू साइन ए माइनस बी बाई टू और साइन ए प्लस बी बाई टू। तो अगर यही वही वाली आइडेंटिटी अपन यहाँ पे लगाएं तो अपना रिजल्ट आएगा माइनस टू इंटू साइन 18 माइनस 72, साइन 18 माइनस 72 बाई टू और साइन 18 प्लस 72 बाई टू। ओके, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन माइनस 27 डिग्री और ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन 45 डिग्री और ये माइनस टू का माइनस टू। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, तो यही चीज़ अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो टू का टू है ही, जो माइनस ये वाला है और ये वाला माइनस दोनों प्लस बना देंगे साइन 27 डिग्री। और ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2, इससे ये कट जाएगा और आ जाएगा रूट टू टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पे आएगा रूट टू साइन 27 डिग्री विच इज इक्वल टू आर एच एस, एंड दिस इज आर प्रूफ।